देखो यार, पाकिस्तानी ड्रामों की सुपरहिट होने की सबसे बड़ी वजह एक हुआ करती थी कि हमेशा से ड्रामे की स्टोरी को टू द पॉइंट रखा जाता था। मतलब कि आप आधे घंटे की एपिसोड देखो, टू द पॉइंट कहानी देखो, और 30 से 35 एपिसोड के अंदर ड्रामे को एंड कर दिया जाता था। यही वजह है कि पाकिस्तानी ड्रामे हमेशा से इंडिया से 10 गुना टॉप क्लास रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये ताकत कमजोरी में बदलती जा रही है। जी हाँ भाई साहब, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में देखा जा रहा है कि जो भी ड्रामा सुपरहिट हो जाता है तो वो चैनल और ड्रामे के डायरेक्टर उस ड्रामे को बिला वजह खींचने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से वो ड्रामा हाई नोट के ऊपर खत्म नहीं हो पाता। जिसकी जीतती जागती मिसाल जानिसार ड्रामा है, जिसकी लास्ट एपिसोड को 49वें एपिसोड के अंदर कर देना चाहिए था, क्योंकि भाई साहब 49वें एपिसोड का लेवल ही अलग था, और सबसे बड़ा जो स्टोरी का रिवील होना था सरफराज के बारे में, वो 49वें एपिसोड में रिवील हुआ था, और यही वजह है कि 49वीं एपिसोड 3 दिन तक के ट्रेंडिंग नंबर 1 करती रही। अगर आप शायद जानिसार ड्रामे के साथ भी वही हो रहा है जो अभी रिसेंटली अक्षय मोशित और तेरे बिन जैसे सुपरहिट ड्रामों के साथ किया गया था, कि आप खुद ही देख सकते हैं कि अक्षय मोशित ड्रामे के अंदर सबसे बड़ा गेम चेंजर वही था कि जब बिलाल अब्बास खान की हकीकत सबके सामने आनी थी, बस उसी वक्त ड्रामे की लास्ट एपिसोड कर देनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी ड्रामे को लंबा खींचा गया, और फिर तेरे बिन तो आप जानते ही हैं कि तेरे बिन को लंबा करने के चक्कर में मुर्तसिम के मुंह पे थप्पड़ करवा दिया गया, और यही वजह है कि ड्रामे को बिला वजह खींचने की वजह से ड्रामे की ऑडियंस टूट जाती है, और फिर ड्रामा अपने हाई नोट के ऊपर खत्म नहीं हो पाता। और ऑनेस्टली ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर के अंदर जानिसार ड्रामे के साथ भी कुछ ऐसे ही किया जा रहा है, जहां ड्रामे को 49वें एपिसोड में एंड होना चाहिए था, वहीं 85वीं और 91वीं एपिसोड एकदम थकी हुई आई, और अभी भी ड्रामे की एंडिंग का कुछ अता पता नहीं है। बल्कि बॉस, अब तो ड्रामे की स्टोरी को जहाँ लेके जाया जा रहा है उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामे की स्टोरी को कम से कम भी 10 से ज्यादा एपिसोड तक के एक्सटेंड किया जा सकता है। और यही वजह है कि ड्रामे को बिला वजह खींचने की वजह से जो ड्रामे का मेन कैरेक्टर था नौशेरवान, उसके कैरेक्टर को एकदम गिरा के रख दिया है। मतलब ऑनेस्टली सरफराज उसको बार बार आके झाड़ लगाया जा रहा है, और वो ड्रामा लंबा करने के चक्कर में नौशेरवान उसका कुछ नहीं कर पा रहा। देखो यार, हमें सीखना चाहिए परिजात, मेरे पास तुम हो, या फिर हम सफर ड्रामों से, जिनकी लास्ट एपिसोड के अंदर इतना ज्यादा सस्पेंस था कि ऑडियंस को कक नहीं पता था कि आखिरी लास्ट एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है। बस यही वजह है कि परिजात, मेरे पास तुम हो और हम सफर ड्रामे आज तक के ब्लॉकबस्टर ड्रामों के अंदर गिना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ तेरे जो आज तक के व्यूज के मामले में सबसे आगे है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ब्लॉकबस्टर लिस्ट के अंदर कहीं नजर नहीं आता। वजह ये है कि उस ड्रामे की स्टोरी को भी बिला वजह खींचा गया था। देखो, एक बात तो तय है कि जानिसार ड्रामे की लास्ट एपिसोड अब इतना जल्दी आने वाली नहीं है, क्योंकि कश्माला और सरफराज को मिलाकर एक नया चैप्टर खोल दिया गया है। खैर, आप बताओ यार, कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है कि जानिसार ड्रामे की 49वीं एपिसोड के अंदर ड्रामे की लास्ट एपिसोड कर देनी चाहिए थी? अगर एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करती है।